नमस्ते इंडिया। हम सभी को आम खाना बेहद ही पसंद होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये साल में कुछ महीने ही तो आता है, इसलिए तो हम इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही लगन से इसको खा लेते हैं, क्योंकि ये साल में कुछ ही महीने के लिए अवेलेबल होता है। मगर आपको कहे कि आम अब आप पूरे साल खा सकते हो, तो क्या आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी? बिल्कुल ही एक गुड न्यूज़ हो सकती है। देखिए, वैसे तो हमारे इंडिया में कुछ बहुत बहुत सारे जगहों पर सिर्फ कुछ ही महीने पूरे साल में आम मिलते हैं, मगर आप साउथ के साइड जाओगे तो साउथ में बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां पर पूरे साल आम पकते हैं और आम खाए जाते हैं। इसी तरह गुजरात में जो अमरेली है, वहां पर दितवा गांव में एक किसान ने एक रिसर्च करके, 5 साल की उनकी मेहनत है और 5 साल की ये मेहनत आज रंग लाई है, जो कि उनको अभी एक नए तरह का उन्होंने आम प्रोड्यूस करना सीखा है। उन्होंने एक आम बनाया है जिसको पंचरत्न के नाम से उसको बोला जाता है, उसको वो पंचरत्न नाम दिया गया है। ये पूरे साल अवेलेबल होगा, पूरे साल इसको पकाया जाएगा, और इसकी बहुत ही ज़्यादा खास बातें हैं, इसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल करके इसको नहीं उगाया गया है, ये पूरी तरह से नेचुरली उगाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में कि ये आम की शुरुआत कैसे हुई, ये किस तरह से होगा और कब अवेलेबल होगा, आप कैसे खा सकते हो, उसकी खास बातें क्या क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरे चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, ये कहानी है गुजरात के जो अमरेली में एक दितवा नाम का गांव है, वहाँ पर एक किसान ने अपनी पूरी मेहनत करके, इतने सालों में इतने सारे रिसर्च हो करके एक आम विकसित किया है। इस आम को पंचरत्न नाम दिया गया है, ये पूरे साल अवेलेबल होगा, ये 12 मासी आम है, इसमें इसको पकाने के लिए कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है, ये पूरी तरह से नेचुरली तरीके से आम जो है वो उगाया जाएगा और पूरे 12 मास में मार्केट्स में अवेलेबल होगा। फिलहाल तो रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये आम दिवाली तक अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जन्माष्टमी से लेकर आप दिवाली तक इस आम का मज़ा उठा पाओगे। और इस आम की खास बात ये है कि जो ये आम है वो पकने के बाद भी 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से इस आम को बनाया गया है। अगर हम इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो इसका टेस्ट कुछ केसर कैरी की तरह ही आने वाला है। ये आम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा फल है, और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दरअसल बहुत सारे जो अमरेली के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत सारे लोग इस पेड़ को देखने आ रहे हैं और इस आम को देखने आ रहे हैं, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी ये बताया गया है। दरअसल ये आम जो है वो एक किसान ने विकसित किया है, उन्होंने पूरे 5 साल की अपनी मेहनत लगाई है। इसी तरह जो दूसरे किसान है वो भी उनसे ये फल खरीदना चाहते हैं ताकि वो भी ये खेती कर पाए और मार्केट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये पंचरत्न नाम के मैंगोस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएँ। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? क्या आप इस मैंगो को मार्केट में आने पर आप ट्राई करना चाहोगे? आप इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।